बुढ़ाना विधानसभा में स्थित डीएवी कॉलेज में मैदान में कल राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की आशीर्वाद पत्र रैली होने जा रही है। इस रैली की लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। वहीं कल 11 बजे जयंत चौधरी हेलीकॉप्टर से यहां पहुंचेंगे, जिसके बाद रैली को संबोधित करने के बाद जयंत चौधरी अमरोहा के लिए प्रस्थान करेंगे। वहां भी कल जयंत चौधरी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कल के जनसभा में भारी भीड़ के पहुंचने की आशंका है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जयंत की कल होने वाली रैली बुढ़ाना विधानसभा सीट पर होगी, जिसमें हमेशा से हिंदू मुस्लिम चुनाव होता आया है। इस विधानसभा के जाटों का सबसे ज़्यादा लोकदल की ओर झुकाव भी रहता है। यहाँ होने वाले कल के जयंत की इस रैली से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस रैली के माध्यम से जयंत जाट मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने भाजपा सरकार पर बढ़ती महंगाई को लेकर निशाना साधा, तो उसी के साथ साथ देश में हर सरकारी सिस्टम को बेचने का भाजपा पर आरोप लगाया। राष्ट्रीय लोकदल ने नेताओं ने 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और लोकदल के गठबंधन सरकार बनने की घोषणा की है। बता दें, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के आशीर्वाद पद जनसभा रैली मिशन 2022 की तैयारी को लेकर शुरू हो गई, जो कि 7 अक्टूबर को हापुड़ के नूरपुर से शुरू होकर 28 अक्टूबर को बागपत के बड़ौत में खत्म होगी। इसी बीच उत्तर प्रदेश के 17 जनपदों में आशीर्वाद पद रैली जनसभा होगी, जिसमें यूपी के हापुड़, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हाथरस, बुलंदशहर, सहारनपुर, गाजियाबाद, शामली, मेरठ, अमरोहा, नोएडा, आगरा, मथुरा, रामपुर, मुरादाबाद और बागपत जनपद होंगे। डीएवी इंटर कॉलेज के मैदान में एक जनसभा का कार्यक्रम है, क्या ये कार्यक्रम है और उत्तर प्रदेश में इस तरह के कार्यक्रम पूरे डिटेल? ये कार्यक्रम एक संदेश देगा, ये कार्यक्रम वो संदेश देगा कल की रैली, जिसमें जिस रैली में हर बिरादरी के लोग होंगे, हर जाति के लोग होंगे, और किसान होगा, मजदूर होगा, व्यापारी होगा, सब लोग इस रैली में होंगे। और ये संदेश प्रदेश को जाएगा कि ऐसा नहीं कि कुछ संप्रदाय के लोग या कुछ जातियों के लोग की ही लोगों की ये रैली है। ये रैली मैं कल देखने को मिलेगा, आप 36 बिरादरी के लोग जो मुजफ्फरनगर में रहते हैं और विधानसभा खतौली इसमें बुढ़ाना में रहते हैं, वो 36 बिरादरी के लोग आपको कल दिखाई देंगे। आज का दौर क्या है, हालात क्या है किसानों को ले लो चाहे मजदूरों को लेकर उत्तर प्रदेश का? आज का दौर ये है कि किसानों के पेस्टिसाइड पे जो कीमतें बढ़ी वो रिकॉर्ड तोड़ है, खाद पे जो कीमतें बढ़ी वो रिकॉर्ड तोड़ है, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात ले लो, कांग्रेस 350-450 पर सिलेंडर छोड़ गई थी और इन्होंने 7 साल के अंदर आज 1000 का सिलेंडर होने को जा रहा। कांग्रेस 55 रुपये डीजल छोड़ गई थी, आज वो डीजल 90 पार करके 100 के करीब जा रहा है, पेट्रोल 100 रुपये हो चुका है। तो इस तरीके से जो महंगाई इन लोगों ने बढ़ाई है, मतलब यही बात समझ में नहीं आ रही कि सरकारें पिछली भी टैक्स लगाती थी और विकास करती थी, ये लोग इतने मतलब इतने भूखे कैसे हो गए, इतनी भूखी सरकार कैसे होगी कि जो इन लोगों ने टैक्स और ये सब चीज़ तो बढ़ाई, लेकिन हमारी रिजर्व बैंक का रिजर्व कोटा आज तक 70 साल में जितनी सरकारें रही किसी सरकार ने उस रिजर्व कोटे को नहीं छेड़ा, और इन्होंने वो रिजर्व कोटा कोरोना से पहले, कोरोना में अगर छेड़ा होता तो थोड़ा सा लोगों को शांति होती कि भाई कोरोना एक महामारी आई है, लेकिन कोरोना से पहले इन्होंने रिजर्व बैंक के रिजर्व कोटे को भी निकाल कर खा दिया। 22 में किस तरह का परिवर्तन देखेंगे? 22 में बहुत भारी परिवर्तन होगा, 22 में आने वाले चुनाव में, और बीजेपी के खिलाफ लोग मतदान करेंगे और गठबंधन की सरकार बनाएंगे और ये माहौल होगा। कितने जनपदों में ये कार्यक्रम है, राष्ट्रीय लोकदल किस स्तर से ये सम्मेलन कर रहे हैं? 17 जिलों में जैन जी के कार्यक्रम लग रहे, एक दिन में दो दो कार्यक्रम है, और जनता का पूर्ण आशीर्वाद चौधरी साहब के साथ है इस बार, और 2022 में गठबंधन की सरकार आ रही है। क्या लगता है कि कल की यहाँ की जो जनसभा होगी उससे यहाँ क्या संदेश जाएगा? यहाँ से तो संदेश जाएगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में चौधरी की चौधराहट कायम होने जा रही, जनसैलाब देख लो कल।
क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे ही सुन, इस सरकार में सारे मुद्दे ही तो हैं। 23 सरकारी संस्थाएं में इन्हों ने हर चीज़ प्राइवेट सेक्टर में करने लग रहे। युवाओं को रोजगार नहीं है, महंगाई 4 गुनी ज़्यादा बढ़ा दी, सब मुद्दे ही मुद्दे तो हैं। 11 महीने से किसान आंदोलन कर रहे, तकरीबन 2100 किसान शहीद हो गए। नरेंद्र मोदी जी ने एक भी शब्द किसानों के हक में आज तक बोला कोई? कुछ नहीं बोला। तो 2022 में इस बार भाजपा का सफाया है, 2022 में गठबंधन की सरकार आने जा रही पूर्ण रूप से। चौधरी साहब को जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।